हेलो फ्रेंड्स, bihairecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को आंवले की अचार बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत लोग आंवले का अचार बनाते हैं कई तरह से, लेकिन देखिए हम यहाँ आंवले का अचार जो है बनाए हैं। आंवले का सीजन चल रहा है तो आंवले का अचार बनाने से पहले मैंने सबसे पहले आंवले को ले लिया है। और कितने लोग ये गलती कर देते हैं, कुकर में उबालते हैं। यहाँ जब भी आंवला उबालिए तो कढ़ाई या पतीले में ही उबालिए, क्योंकि कुकर में ओवर कुक हो जाता है। और अगर पतीले में उबालिएगा तो उसको चेक करते रहिए कि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, नहीं तो वो टूटने लगता है। तो देखिए हम इसको पतीले में उबाले हैं और इसको इतना उबाले हैं कि ये ज़्यादा हाथों से ये ज़्यादा टूटे ना, हल्का सा नरम हो जाए, बस उतना ही हमको उबालना है। ये देखिए नरम हो गया है। और अब हम छन्नी वाला जो है एक प्लेट लिए हैं, उसमें सब आंवले को निकाल देंगे और ताकि नीचे से भी हवा लगते रहे, या फिर आप किसी कपड़े पे इसको फैला करके और अच्छे धूप में इसको 5-6 घंटे तक अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि जो भी नमी हो इसका वो अच्छे से निकल जाए। अचार को लोग 1 साल तक स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए हमें इसे अच्छे धूप में सुखाना चाहिए। तो देखिए आंवला हम जो सुबह उबाले थे इसको हम अच्छे से धूप में इसको सुखा लिए हैं, इसमें बिल्कुल नमी नहीं है। हम आपको पहले भी बताए थे, ये देखिए अभी भी नहीं टूट रहा है। ये सॉफ्ट है लेकिन टूट नहीं रहा है दबाने पर भी। तो इसी तरह से आप रखिएगा। और अब हम इसको अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में, पूरे दिन सुखाए हैं लगभग इसको, ताकि नमी ना रहे। 1 साल स्टोर करके रखना है। तो मसाले में देखिए हम यहाँ लिए हैं सूखा लाल मिर्च है, और ये सरसों है, हल्दी है, 1 चम्मच मेथी है, और यहाँ हम लिए हैं थोड़ा सा साबुत धनिया है, और ये सौंफ है, अजवाइन, कलौंजी, नमक और सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों से अच्छा सा तैयार करेंगे हम जो है अचार। तो देखिए यहाँ हम मिर्च को एक कढ़ाई भी जो लिए हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये मिर्च। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, हल्का सा बस इसकी नमी जो है सही से हो जाए, नमी निकल जाए। और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें धनिया, जो साबुत धनिया लिए थे वो भी डाल देंगे। ये मेथी का दाना है, ये भी डाल देंगे। आप अलग अलग भी भून सकती हैं, साथ में भी भून सकती हैं, ज़्यादा क्योंकि भूनना नहीं है। सौंफ भी डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको भूनना है, ताकि एक सोंधी सोंधी खुशबू अच्छी सी आने लगे। तो देखिए अगर कढ़ाई अच्छे से गर्म होना तो आप डाल करके वो कढ़ाई गैस बंद कर दीजिए, और कढ़ाई की गर्माहट से ही ये हो जाएगा। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मसाले से वो खुशबू चली जाती है। बस सोंधी सोंधी सी खुशबू आनी चाहिए। देखिए ये हो गया है, इसको हम निकाल करके और मिक्सी के जार में इसको हम अच्छे से बारीक पीसेंगे। तो देखिए आंवला हम जो सुबह उबाले थे इसको हम अच्छे से धूप में इसको सुखा लिए हैं, इसमें बिल्कुल नमी नहीं है। हम आपको पहले भी बताए थे, ये देखिए अभी भी नहीं टूट रहा है। ये सॉफ्ट है लेकिन टूट नहीं रहा है दबाने पर भी। तो इसी तरह से आप रखिएगा। और अब हम इसको अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में, पूरे दिन सुखाए हैं लगभग इसको, ताकि नमी ना रहे। 1 साल स्टोर करके रखना है। तो मसाले में देखिए हम यहाँ लिए हैं सूखा लाल मिर्च है, और ये सरसों है, हल्दी है, 1 चम्मच मेथी है, और यहाँ हम लिए हैं थोड़ा सा साबुत धनिया है, और ये सौंफ है, अजवाइन, कलौंजी, नमक और सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों से अच्छा सा तैयार करेंगे हम जो है अचार। तो देखिए यहाँ हम मिर्च को एक कढ़ाई भी जो लिए हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये मिर्च। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, हल्का सा बस इसकी नमी जो है सही से हो जाए, नमी निकल जाए। और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें धनिया, जो साबुत धनिया लिए थे वो भी डाल देंगे। ये मेथी का दाना है,
ये भी डाल देंगे। आप अलग अलग भी भून सकती हैं, साथ में भी भून सकती हैं, ज़्यादा क्योंकि भूनना नहीं है। सौंफ भी डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमको हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि एक सौंधी सौंधी खुशबू अच्छी सी आने लगे। तो देखिए, अगर कढ़ाई अच्छे से गर्म होना तो आप डाल करके वो कढ़ाई गैस बंद कर दीजिए और कढ़ाई की गर्माहट से ही ये हो जाएगा। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मसाले से वो खुशबू चली जाती है। बस सौंधी सौंधी सी खुशबू आनी चाहिए। देखिए ये हो गया है। इसको हम निकाल करके और मिक्सी के जार में इसको हम अच्छे से बारीक पीसेंगे। तो देखिए बारीक पीस दिए हैं मसाले को। अब हम आंवला में सब डाल देंगे, सभी मसाले को डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपको तेल, जब भी सरसों का इस्तेमाल कीजिए तो तेल को अच्छे से गर्म करके उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। और अगर सभी मसाले को नहीं भून रही हैं तो सौंफ जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। सौंफ को ज़रूर भूनिए और आप भून के ही अचार में डालिए। कितने लोग साबुत भी डालते हैं तो साबुत भी डालिए, तो भून के ही डालिए। कितने लोग मेथी को भी साबुत जो है पसंद करते हैं, कुछ पीस के डालते हैं, कुछ साबुत डालते हैं, तो मेथी जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर सौंफ आप कच्चे डाल दीजिएगा तो अचार को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। बाकी अचार रखने का भी तरीका सही होना चाहिए। कभी भी अचार को हाथ से मत निकालिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप अचार बना के रखी हैं तो बड़ी सी जलनी में एक छोटे में ले लीजिए और अचार को जो है चम्मच से ही निकालिए, कभी भी हाथ से मत निकालिए। अचार बहुत जो है विचार से रखा जाता है तब वो टिकता है, क्योंकि कई कई लोग दो दो तीन तीन साल अचार को बना के स्टोर कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक साल के लिए तो स्टोर किया ही जाता है ताकि अगले सीजन तक ये चल जाए। तो अब हम इन अचार को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें सरसों का तेल अभी हम गरम कर रहे हैं, गरम सरसों का तेल हम अचार में डालेंगे, तब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सभी चीज़ों को हम मिला दिए हैं, इसमें तेल भी डाल दिए। बहुत ही आंवले का अचार बढ़िया बना हुआ है। इसको अब हम 2 से 3 दिन अच्छे धूप में इसको दिखाएंगे ताकि जो भी नमी हो या आंवले में कच्चापन हो वह सब तेल मसाले से पक जाए और अचार आपका जो है सालों साल टिकने के लिए तैयार हो जाए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आंवला तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए। इसको ज़रूर अपने खाने में जो है आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सेहतमंद रहें, तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। इसीलिए अच्छे अच्छे वीडियो हम शेयर करते हैं ताकि हमारे जितने भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं वो सभी अच्छी चीज़ खा करके हेल्दी और सेहतमंद रहें। तो हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहार रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको अचार की रेसिपी कैसी लगी। देखिए अब इसको हम अच्छे से जो है ऊपर नीचे मिला के बर्नी में भर देंगे। इसको कांच के बर्नी में भरिए ताकि अच्छे से ये धूप में पके। देखिए तेल नीचे से जो है ये सही से आ रहा है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है।